चलो आप खड़े हो जिससे पूछे वही बोलेगा ठीक है। हाँ जी बोलो व्हाट इज एचटीएमएल स्ट्रक्चर नहीं मुझे डेफिनेशन दो पहले। हाँ जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ जी व्हाई डू यू यूज एचटीएमएल इट्स मीन कि आप लोग जाके सिर्फ बुक को यहां तक मैं बक बक कर रही हूँ ठीक है अदरवाइज बुक नहीं खोलना कुछ नहीं करना। सेकंड वन बताएगा आप बता आप थे उस दिन क्लास में। हाँ जी ब्लैंक नहीं खड़े होना कुछ समझ नहीं आया था उस दिन 1% 2% मतलब कुछ भी नहीं आया समझ में। बोल बेटा बोलो कुछ तो बोलो मुझे भी पता लगे कि हाँ कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा रिस्पॉन्स दो ना। किसको पता है आप खड़े जाओ नहीं बोलो बेटा वो बुक में रिटके में सुना मेरे को मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया था। बैठ जाओ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ठीक है। क्या कर रहे हैं उसमें वेब पेज बना वेब पेज क्या होता है एक पर्टिकुलर हाँ जी वेबसाइट की फर्स्ट पर हाँ जी फर्स्ट जो पेज होता है वो हम क्रिएट करते हैं एचटीएमएल के थ्रू। इसमें हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है इसमें टू टाइप्स की टैग्स होती है कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग मैंने बताया था कि जिसको ओपन करके क्लोज करना जरूरी होता है वो होती है हमारी कंटेनर टैग। और एम्प्टी टैग का मैंने मतलब बताया था कि हम ओपन कर रहे हैं ठीक उसके लिए वो इनफ होता है जाके वो वेब पेज पे उसकी जो भी उसका यूज होगा जो भी उसका अपीयर वहां पे इजिली हो जाता है ठीक है। अब इसमें हमारे जो है यहाँ पे दिया गया क्रिएटिव लिस्ट कैसे बनानी है पूरी कोडिंग बताएगा ठीक है। मैंने आपको कमांड्स भी बताई थी टैग्स भी लिखवाई थी आप क्लास में नहीं थी तो क्लास में नहीं था वो कॉपी में आपने हमें लिख ली थी जो आए थे उस दिन। हाँ जी आपसे बात कर रही हूँ मैं आपने लिखी थी कॉपी में सारी टैग क्यों नहीं लिखी थी फिर थोड़ी ना आई उस दिन मैंने सारी टैग्स कराई थी कौन कौन सी टैग का क्या क्या यूज होता है प्रैक्टिकल क्लास में मैं करके दिखाऊंगी ठीक है। आज हम बिजी क्लास ले रहे हैं अब देखो क्रिएटिव लिस्ट इन एचटीएमएल उन्होंने लिस्ट की ये आपकी बुक में नहीं है लिस्ट वाला ठीक है। लिस्ट आपकी थ्री टाइप्स की होती है एचटीएमएल When you open a web page, you might see some paragraphs and some bulleted or numbered lists. Let's see how you can create such lists on your web page. List me. A bullet list can have as many bullets as you want. Therefore, to create a bullet list, you use a container tag. To create an unordered list, you use the UL tag. To specify that you want to create an देखो ये ना मेन स्ट्रक्चर समझाया था ना मैंने एचटीएमएल होता है फिर हेड होता है टाइटल होता है टाइटल इन्होंने दिया नहीं है बॉडी ठीक है टाइटल ये दे रहा लिस्ट हम लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट होती है ठीक है। बुलेट्स और डॉट्स इसमें आ जाते हैं देखा है ना पैराग्राफ बनता है फिर बुलेट्स आ जाती है या डॉट्स आ जाते हैं वो लिस्टेज होती है। Unordered list in the notepad file type opening angle bracket UL copy closing angle bracket copy pe likho list फटाफट उतारो ये आपकी बुक में नहीं है ये कॉन्सेप्ट कॉपी लाए नहीं कोई लाए जो लाया हो एक बच्चा लिखना फिर मैं दोस्तों को दिखा देता हूँ ये पूरा ये एक स्ट्रक्चर उतार लेना ठीक है ये ना आपको हेल्प मिलेगी नोट्स बनाते चलो मैं नहीं तो मेरी एब्सेंस में ये आगे आपको बहुत
फॉर्म में होती है अनऑर्डर लिस्ट की, और ये भी देखना अनऑर्डर लिस्ट क्या कंसिस्ट करता है, ऑर्डर लिस्ट क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो आगे, रुको रुको, जितना कंप्यूटर को इजी वे में और इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। सीरियस होके पढ़ो, बहुत काम आएगा। आपका नाम? जतिन। आप? आयन। आयन, चलो
time. To specify that you want to create an ordered list, in the notepad file, type opening angle bracket OL, closing angle bracket. An ordered list can have several different numbered styles. You can use the uppercase or lowercase alphabets, uppercase or lowercase Roman numbers, or even normal sequence of number. ये देखो, contained lists, uppercase में भी आती है, lowercase में भी आती है, Roman में भी आती है और number में भी आती है. Order list, unordered नहीं है, ये सिर्फ order list का sequence है. ठीक है? Yes ma'am. चलो. Yes ma'am. लिख लिया? रोमन भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे ऑर्डर लिस्ट में. चलो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, a small a, capital I, small I, and 1 respectively. To specify that you want to use lowercase Roman numerals for your ordered list, in the OL tag, type is equal to quote I quote. Next, you can specify what you want to show in your ordered list by using the LR tag. To specify the first item in your ordered list, type opening angle bracket LI, closing angle bracket, item 1. ये बुलेट से लिखा हुआ है ना, फिर उस item 1, 2, 3, इसमें हम अपना भी ऐड कर सकते हैं, इसमें खुद ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे नेम लिखते हैं ना, नेम में क्या क्या नेम आएंगे वो आप नेम लिख सकते हो, टेबल बना रहा है ये पूरी. अपना आपके खुद का अपना मैटर डालना है. ठीक है. सिमिलरली यू कैन स्पेसिफाई अदर आइटम्स इन योर ऑर्डर लिस्ट. आफ्टर यू हैव रिटन ऑल द आइटम्स यू वांट इन योर ऑर्डर लिस्ट, to do this, in the notepad file, type opening angle bracket forward slash OL, closing angle bracket. Then, you can open the web page in the browser to view your list. But what happens when you want to show a bulleted list within another bulleted list? You can nest any list within another list. You just need to give the opening and closing ordered or unordered list tags within another list. For example, if you want to show a list of items for each bulleted item in an unordered list, you will use the displayed code. Notice that in this code, the entire ordered list is specified after the first bullet of the unordered list. You can then specify another ordered list after the second and third bulleted items. Then, you can open the web page in the browser to view your nested lists. Copy paste कर दे ना सिंदर. ठीक है, पूरा टाइप नहीं करते.
number list starting with lower case alphabet. डालोगे तो क्या आएगा?
नंबर्स और परफेक्टली मतलब अच्छे से लिखे हुए हैं। आर नॉट डालोगे तो बुलेट साइन ही डॉट साइन ही स्क्वायर जो बताया है स्क्वायर होती है डिस्क होती है डार्क जो भी है ठीक है जो आपके ऊपर है आपको कौन सी लिस्ट बनानी है कैसे बना रही है अपना पेज पे क्या बनाना है डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाना है मैटर आपके सामने है ठीक है यूज किस तरीके से करना है कंप्यूटर में यही होता है मैटर है बट यूज करने का जो तरीका है वो आपको खुद इन्वेंट करना होगा हमें अपने वेब पेज पे कलर देना है किस तरीके से देना है इमेज भी आ जाती है मैंने इमेज इमेज के लिए भी लिखवाया थे अकॉर्डिंग ठीक है वो भी सब लिखवाई मैं करके भी दिखाऊंगी थोड़ा सा ठंड रखती हूँ देखो वो ना वो मैंने समझाने के लिए बताया है ठीक है जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे मान लो कहीं से अपने घर पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब आपको हेल्प करेगा और नॉलेज ही बढ़ेगी घटेने वाले तो है नहीं उसमें तो ठीक है अब ये क्या है इंसर्टिंग इमेज है इन्होंने यहाँ पे इमेज क्रिएटिंग एस्टिमेट टेबल बना के देखते हैं टेबल बनाए ये टेबल की अकॉर्डिंग लिख लेना ओके मैम टेबल बनती है In addition to adding lists and images by using HTML, you can also use it to create tables of your own. Let's see how this can be done. You indicate that you want to create a table by using the Table tab. To specify that you want to create a table, after the opening body tag, type Table and press Enter. Each table you create by using HTML can have a title and a heading row. The title of a table is the first thing you specify in a table. To specify a title for your table, after the opening table tag, type caption, my first table, /caption and press enter. After specifying a title, you can begin defining the rows of your table. You can define each row of a table by using a TR tag. The number of TR tags in the table. TR मतलब होता table row. Row column बनाने हैं ना हमें. तो TR table row के लिए होता है. लिख लेना ही. Table would determine the number of rows in the table. To begin specifying the first row of your table, after the caption tag, type TR and press enter. You can always specify that any row of a table contains column titles. To do this, you use the th tag. In this tag, use th tag होती है table की heading देने के लिए. th short form है, ठीक है? th table heading, tr table row. Specify the title of the column. To specify that the first column of row 1 contains a title, after the opening TR tag, type th title 1 /th and press enter. ये ध्यान रखना यहाँ पे इसने ओपन किया है वहीं पे क्लोज कर दिया है ये चीज ध्यान रखनी है Similarly, you can specify the titles of all columns in the table. Specified the titles of all columns in the first row, you can close the row. To do this, after the last th tag, type /tr and press enter. जितने टाइम में हमने रो शुरू करी है ना, हमने ना वो यहाँ की बंद करनी है, ध्यान रखना close. ठीक है? अभी first row है, second शुरू करोगे, tr शुरू करोगे, a. हाथ मार रही है क्यों भाई? क्या हो रहा है ये टेबल आर कह दिया हो टेबल रो 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 क्या होती है एक मिनट और ऐसे हाँ और कॉलम्स कॉलम रो एक मिनट जिससे कुछ मार नंबर आएगा हाँ जी रो तो ऐसे
ऐसी होगी। हाँ। तो कॉलम ऐसे होते थे? मैं तुमसे पूछूं, उनसे भी पूछ। बताइए मुझे। तो नहीं पता। रोज ये होती है, कॉलम से होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है मैं यही होते हैं ना। तुम मुझे पूछ रहे हो ना, मैं तुमसे मैंने कभी पूछा नहीं। अनुमान लगा के पूछ रहा हूं। अनुमान नहीं लगाना क्लास में, ठीक है? अनुमान तब लगाना जब मैं टेस्ट लूं, ठीक है? टेबल तो बताएं, टेबल क्या होती है? रॉ और कॉलम, रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल। वेरी इंटेलिजेंट बच्चा, नाम क्या बेटा है आपसे पहले कौन है? आर्यन। हाँ चलो। You can specify the data in each row of the table by replacing the th tag with ये हो रहा नोटपैड में काम, क्योंकि नोटपैड चल रहा है ना, सेव करेंगे। ये सेव करने का प्रोसेस बता नहीं रहे हैं, मैं बता रही हूँ। HTML में हर एक छोटे से छोटा, जैसे हम चेंज कर रहे हैं, मान लो हम डिलीट कर रहे हैं कुछ, हमने यहाँ से मान लो हमने ना हमें थर्ड रो नहीं चाहिए, हमने हटा दी, तो हम उसको सेव करेंगे, हम सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक है? सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वेब पेज पे जाएंगे। वेब पेज पे जाने के लिए शॉर्टकट मैंने क्या बताई थी बच्चों? ऐसे काम नहीं चलेगा मेरी क्लास में, प्लीज। अभी तो प्रैक्टिकल क्लास चल नहीं रही है, पढ़ना है अच्छे से पढ़ो। मैं शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, मैं हर एक चीज को बताती हूँ, उसको लिखा करो, कुछ भी किया करो, ऐसे ही नोट्स तैयार होते हैं। हाँ ठीक है, सिंपल होता है। लॉन्ग कट क्या होता है, हमें माउस की हेल्प से बार बार ऊपर मेन्यू बार पे जाना पड़ेगा ना, वो हमें नहीं जाना। फटाफट से और जितना भी हो सके मैं कीबोर्ड से फटाफट काम करूँ, जिसमें कोडिंग बहुत होती है, पूरा जो आपका नोटपैड के पेज है भर जाएगा पूरा। ध्यान रखना, हर एक कॉमे का हमें ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा का हमें ध्यान रखना है, डॉट का हमें ध्यान रखना है, फिर वो वेब पेज जो है हमारा ओपन नहीं होगा, उसमें कुछ काम शो नहीं होगा, ठीक है? और HTML का एक्सटेंशन क्या बताया था? डॉट HTML में इसकी फाइल जो है सेव होती है, ठीक है? ध्यान ब्राउज़र।
जो हमारा टेबल की जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं ना वो आ जाते हैं, हम डिपेंड और हमारे ऊपर हम उनको विड्थ भी कितनी सेट करेंगे और हाइट भी कितनी सेट करेंगे। अच्छा कलर है अपने टेबल की, हम कलर ले सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी कलर चाहिए हम वो ले सकते हैं, अपने बैक पेज का हमें कलर चाहिए हम वो ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है, इन्होंने जो है यहाँ पे बताया नहीं है, है ना। फ्रेम्स फ्रेम्स फ्रेम्स